प्लीज ऊपर देखो, भागो भागो। आखिर हॉकी स्टेडियम का नक्शा रॉका के अड्डे पर, लेकिन क्यों? हॉकी स्टेडियम में परिनास पर अटैक होना और रॉका के दफ्तर से ये नक्शा मिलना। कुछ बड़ी गेम चल रही है। ये सब हमें रॉका के असल ठिकाने तक ले जाएगा। जी नाज़रीन, आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चलें, पाकिस्तान विमेन हॉकी टीम के कोच नोमान डार को तब्दील कर दिया गया है। ये फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब इंटरनेशनल विमेन हॉकी चैंपियनशिप में चंद दिन बाकी हैं। ऐसे में नेशनल हॉकी टीम के कोच को तब्दील करने का फैसला हैरान कुन है। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। रॉका के अड्डे से स्टेडियम का नक्शा मिलना और कोच का तब्दील किया जाना, बड़ा खेल शुरू हो चुका है। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल रब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी चंद सेकंड बाद कोशिश कीजिए। जी कैसे आना हुआ, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई सर। तो फिर क्या करने आई हैं? विमेन हॉकी चैंपियनशिप से चंद रोज पहले कोच को तब्दील करने की वजह जान सकती हूँ? देखे, पहली बात तो यह है कि मैं आपको बताने का मजाज नहीं और न ही आप पूछने की, और दूसरी और आखिरी बात यह कि नुमान डार साहब मुस्ताफी हो चुके हैं और नया कोच कौन होगा ये फैसला मैं करूँगा। मगर चैंपियनशिप सर पर है, आप इस्तीफा कैसे कबूल कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन? ओ जी देखे बीबी, इस मुल्क में इतनी बारीकियों में कौन जाता है? एक तो हॉकी, ऊपर से बीबियों की, इतना कौन सोचता है? ये सब ठीक नहीं है कप्तान साहबा, ये सब सरकारी काम है, आप मुदाखलत ना करें तो बेहतर है। मगर ये पूछना मेरा हक है, वो मेरी टीम के कोच हैं और मैं उनकी कैप्टन। देखें बीबी, मुझे मेरा काम करने दें और तंग न करें। देखें मैं। छोड़ो परिनास, मैं इस मामले को देख लूंगा, तुम अपनी गेम पर फोकस करो। नहीं बादशाह खान, यहाँ कुछ मशकूक चल रहा है। नहीं परिनास, तुम खामखा शक कर रही हो। मैच यकीनन तुम्हारे लिए अहम होगा, मगर इन जैसे लोगों के लिए ये मामूल की बात है। नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है। नक्शा मिलना, कोच की तब्दीली, उनसे राब्ता ना हो पाना, ये एक गेम है। गेम तो मैंने भी एक चला रखी है, लेट्स सी। आपका काम हो गया, बॉस खुश है या नहीं? क्यों नहीं, बॉस ने खास मिठाई भेजी है आपके लिए, शाम तक पहुंच जाएगी। ओ ये तकल्लुफ क्यों? तकल्लुफ कैसा गुलजार बाबू, बॉस अपने वफादारों को ऐसे ही नवाजते हैं। बॉस के तो क्या ही कहने, बस कोशिश करें फाइनल से पहले नुमान डार की किसी को हवा न लगे, वरना बना बनाया खेल चौपट हो जाएगा। आप इसकी टेंशन न लें, रॉका के चुंगल से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो हम शाम को मिल रहे हैं ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल, सूरज डूबने से पहले अड्डे के पास। तो ये निकली असल कहानी। मेरा काम तो यही तक था। Over to you, सर परमान। Come on, टीम, हमें जल्द अज जल्द कोच तक पहुंचना होगा।
तो तैयार हो? तैयार है। गाइस, बी रेडी, डोंट मिस इट। मगर इसे हमारी भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए, वरना गेम पलट सकती है। हेलो पुलिस स्टेशन, ये रही आपकी बाकी की रकम। भाई मजा आ गया, आपने बॉस को खुश किया और बॉस ने आपको। वो क्या है ना, हम किसी का उधार नहीं रखते। बस आपने फाइनल से पहले तक इसे गायब रखने वाली बात याद रखनी है। गुलजार बाबू, अपने काम का एक ही उसूल है, जो कमिटमेंट कर दी उस पर नो कॉम्प्रोमाइज। बुरा वक्त तो आ चुका है दुकान कट्टे। चाहिए चंद पैसों के लिए तुम अपने मुल्क से बेवफाई तक के लिए तैयार हो गए। अब सारी उम्र जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा तो पता चलेगा इसे कि वतन से गद्दारी क्या चीज होती है। नहीं नहीं, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं तो गद्दारी का सोच भी नहीं सकता। हाँ मैं बस पैसों के लालच में जरूर आ गया था और मैं हाजिर हूँ, मुझे जो चाहे सजा दो, मगर मुझे गद्दार। सजा तो तुम्हें मिल कर रहेगी, और वो भी ऐसी कि दोबारा कोई ऐसा करने का सोचेगा भी नहीं। Well done टीम मुहाफिज, गुड जॉब। लेकिन अगला मिशन इससे ज्यादा मुश्किल है। मुझे पता है, अगला मिशन है अपनी खटारा वैन को फिर से ठीक कराना। पाकिस्तान विमेन हॉकी टीम के कोच की तब्दीली का ड्रॉप सीन हो गया, रिश्वत लेकर कोच को तब्दील करने वाला अफसर गिरफ्तार। टीम ऑफिस, यस, अब तुम देखना रॉका की असल ताकत।
जुनून ही ऐसा वो टिक नहीं सकते अपने आगे, लहू गरम तू इसको बहने दे बहाने ना दे, फतह तो होगी ना होगी भूल ये दुश्मनों की, है दिल में शोला हमको मौला करता सुर्ख रूबी, मंजिल की जानिब लेके जाती मुझको जुस्तजू ही, भरोसा अपने पे ये हौसला ही मेरी खूबी, वो चलते चाले वो कब से ये ही करते आ रहे, उसे क्या खबर मेरा खुदा दो जहां पे गालिब, मुहाफिज़ कुल माली हम इस बाग के, मौत से भी लड़ पड़े ये जज्बे रखना याद, फिर पीरों के उस्ताद हम गुलामी से आजाद हैं, वाके फरक चाल से वो चलते क्या सब जानते, गॉड्स प्लान हम सारे उसकी नजर में, इन गॉड्स हैंड मेरा खुदा मुझे सबर दे, वही मुसन्निफ मेरा वही मुझे अजर दे, क्या सोचे जिगर हमें कदर तभी फखर है।